एक बार फिर से मुनव्वर फारूकी का शो हुआ कैंसल। फैंस आए मुनव्वर के सपोर्ट में, क्या ये पूरी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं। वेल, एक गलती की वजह से मुनव्वर फारूकी को इस वक्त काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है। जिस कॉमेडी से वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उसको बार बार कैंसिल करवाया जा रहा है, उनके शोज़ को कैंसिल करवाया जा रहा है। वेल, लॉकअप सीजन 1 की ट्रॉफी जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते थे, जगह जगह पर करना चाहते थे। वहाँ पर से आने के बाद उन्होंने कई सारे स्टैंड अप कॉमेडीज़ कई सारे शहरों में किया, अभी हैदराबाद में भी किया, लेकिन कुछ ऐसे शहर जहां पर उनको करने नहीं दिया गया है शो, उनके शोज को कैंसिल कराया गया। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि पुणे में उनके शो को कैंसिल करवा दिया गया। अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में शो होने वाला था कल रविवार को 28 अगस्त को, वहां पर भी कैंसिल करवाया गया, दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी। जी हाँ, उनका ये शो कैंसिल हो गया। जब से फैंस को ये बात पता चली है, फैंस मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में आ चुके हैं, फैंस लगातार मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार उनके लिए ट्वीट्स किए जा रहे हैं। इस वक्त मुनव्वर फारूकी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारे ट्वीट्स किए गए। पर दोस्तों, क्या है कहना कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।